बहुत सदियों पहले उत्तर हिमालय पर एक छोटा सा गांव था। उस गरीब गांव में एक गरीब परिवार का लड़का था परासर। अपने पिता के साथ रहता था। वो कम आयु में ही अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाता था। लेकिन तो जीवन भर मिट्टी का बर्तन बनाएगा? ऐसा आपको छोड़ के पढ़ाई में मन दे बेटा। सुन, जल्दी से तैयार हो जाओ, कल सुबह ही हम लोग रवाना होंगे। कहाँ जाएंगे पिताजी? पास के गांव शेरपुर में, ऋषि मुनि के आश्रम में। वहाँ जाके तुम अस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त करना। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो बच्चा तुम? मैं केशव हूँ। मैं एक कुम्हार हूँ, शिवपुर से आया हूँ। ये मेरा इकलौता बेटा है, इसे अपने चरणों में रख लीजिए गुरुदेव। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे जैसा कुम्हार बन कर रहे, ज्ञान प्राप्त करके एक अच्छा इंसान बने। ठीक है ठीक है, तुम निश्चिंत होकर घर जाओ केशव, वो मेरे पास रहेगा। उसके बाद ऋषि मुनि के आश्रम में परासर ज्ञान प्राप्त करने लगे। आश्रम के सभी बालकों में से परासर सबसे ज्यादा ज्ञान में अव्वल था। तुम्हें गुरुदेव बुलाए हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ, हम लोग आते हैं। यह है चंद्रपुर के महाराज चंद्रसेन। ये बड़े संकट में पड़कर आए हैं। क्या हुआ है? कुछ दिनों से चंद्रपुर पर एक समस्या अनपड़ी है। राजमहल से, नगरों से दिन पे दिन लोग गायब होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? लोग कहाँ गायब हो जा रहे हैं? पता नहीं। तुम लोग बुद्धिमान हो, वीर हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ही इस समस्या का समाधान करो। क्या करना होगा बताइए। ये लो सोमदत्त, इस चक्र को अपने पास रखो। मुसीबत में काम आएगा। और ये लो परासर, ये अपने पास रखो, अगर जरूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल करना। धन्यवाद गुरुदेव। अब तुम लोग पश्चिम के जंगलों की तरफ निकल पड़ो, वहां जाके भृगु से मिलना। भृगु कौन है? वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानते हैं। क्या घटना है वो तुम दोनों को बता सकते हैं। प्रणाम ऋषिवर। किस लिए तुम दोनों यहाँ आए हो? ऋषिवर, चंद्रपुर के प्रजाएं बहुत ही मुसीबत में पड़े हैं। वहाँ के लोग जब तब लुप्त हो जा रहे हैं। यहाँ से पश्चिम दिशा के ओर 20 कोस दूर एक दानव नगरी है। ये उन लोगों का ही काम है। चंद्रनगर के लोगों को अगवा करके ले जा रहे हैं और उनको अपना आहार बना रहे हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए तुम दोनों को वहां जाना होगा। जाओ, तुम दोनों जाओ। उसके बाद परासर और उसके दोस्त दोनों निकल पड़े दानव नगरी के ओर, ऋषि मुनि के बातों के अनुसार। हाँ, कितना बड़ा महल, लेकिन ये खाली खाली क्यों है? पूरा खाली है। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे, मेरी रक्षा करो, बचाओ। अरे वो देखो,
पिंजरे में कोई है। बचाओ मुझे, बचाओ। हाँ हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए। लीजिए लीजिए, बाहर निकल जाइए। धन्यवाद। कौन है आप? मैं चंद्रकांता, स्वर्ग की अप्सरा। दानव मुझे छोटी सी गुड़िया बना के पिंजड़े में बंद करके रखा था, लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? हम लोग उसे मारने आए हैं। उस दानव को मारना इतना आसान नहीं। इस महल के नीचे एक काली माँ का मंदिर है। उस काली माँ के हाथ में एक स्वर्ण दंड है। उसी दंड में उस दानव का प्राण है। उस दंड को तोड़ दोगे तो दानव मर जाएगा। ये पूजा खत्म होने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा। ये सपना तेरा कभी पूरा नहीं होगा शैतान। तुम लोग कौन हो? यहाँ पे क्यों आए हो? तुम लोगों का इतना बड़ा हिम्मत? हेलो, दोस्त, वो दंड तोड़ दो। ये ले शैतान। यहाँ पे लेकिन महाराज, दानव को मरने के लिए इन दोनों को वीर नहीं कहा जा सकता है महाराज। बेताल, दानव एक मायावी था, इसीलिए उसे मारने के लिए दोनों ने मायावी शक्ति का प्रयोग किए, इसीलिए दोनों को वीर कहा जा सकता है। समझे बेताल? इसलिए अब मैं चला महाराज।